हेलो, ये मैं उनपवार। आज हम बैठे हुए हैं बेहद ही खास स्कॉर्पियो के अंदर। ये ब्लैक स्कॉर्पियो बड़ी फेमस है भाई, 80-55 इसका नंबर है, जो रिप्रेजेंट करता है बॉस। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ, बहुत ही खास बंदे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, हनी शर्मा भाई। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल के ऊपर भाई। थैंक यू। फाइनली आप लेके आई गई अपनी स्कॉर्पियो हमारे पास भाई। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि भाई अरुण पवार भाई से रिव्यू करवाओ। मैंने कहा चल करवाते हैं। तो यहाँ पे ये स्कॉर्पियो, अभी भाई हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई समझते थे इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना ज्यादा है, कितना समझते थे? 215 भाई, 215 मेरे को मिथ में डाल रखा था लोगों ने कि इसकी 215 आती है, 215 आती है, बट यार बहुत ही कम आती है इसकी, बट दिखने में बहुत ज्यादा बल्की है ना, इस चक्कर में पता नहीं चलता इसमें। और भाई ये खास मैं पता क्यों भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना बहुत भाई ने 18 इंची की इसमें लोबी लगवा रखे हैं, और ये कार बहुत ही ऊंची है, और नॉर्मल स्कॉर्पियो से भी अपनी जो सीटिंग है ना इसके अंदर ऊंची अपने को मिलती है। तो ये अपने स्कॉर्पियो का फायदा होता है, कहीं भी ले जाओ इसको गाड़ी, रोक लो यहीं पे, कहीं भी ले जाओ अपना, कोई दिक्कत इससे करती नहीं है। चलो भाई बाहर से दिखाते हैं फिर। हाँ, क्या खास है भाई? सबसे पहले ये बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने देखा होगा स्कॉर्पियो को, ये पीछे से बड़ी खास लगती है, ऐसी शायद ही कोई होगी ना पीछे से ऐसी। भाई यहाँ पे दिल्ली NCR में तो एक भी नहीं है। महिंद्रा थार 2020 में जो आई थी, सेम टू सेम वही भाई ने इसमें अलॉय व्हील लगवा रखे। इनकी क्या स्टोरी है भाई? भाई मतलब मैं जब लेने गया था ना गाड़ी, तो उस टाइम मैंने सोचा था मेरे को ना अपनी गाड़ी बिल्कुल अलग करनी है। तो वहाँ पे खड़ी थी थार। अब थार की उस टाइम भाई हाइप इतनी ज्यादा बन रही थी, उसकी वेटिंग इतनी ज्यादा थी, तो थार तो लेने का मन था ही नहीं। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि उसके व्हील लगा के चेक करते हैं, उससे ना बल्की लुक आ रही थी। हमने वहाँ चेक किया, जब इसमें भाई इतनी बल्की आ रही थी, तो मैंने वही की वही बोला उनको कि भाई इसे चेंज करो। वो पहली वो जिस कंपनी में हमने चेंज करवाए थे, वो बंदे बोलने लगे कि भाई पहली गाड़ी है जिसमें थार के अलॉय व्हील लगे हैं। तो उस टाइम भी मेरे को सही लगा, मैंने कहा ये चीज़ भी सुनने में अच्छी लग रही है। अच्छा, तो तब सोचा था, अब तो देख लो मतलब बढ़िया ही लग रही है। अच्छा, टॉप ब्रांड है ना स्कॉर्पियो का? हाई टॉप ब्रांड है। अच्छा, इसमें भी अलॉय व्हील्स आते हैं, वो क्यों हटवा दिया आपने? यार वो छोटे छोटे से लग रहे थे। अच्छा, और ये मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा बड़े लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही कम स्पेस बच रहा है। दिखता कम स्पेस है, मतलब ऐसा है ना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं चार ट्रिप बड़े बड़े मार ही आया, लेकिन उसमें इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई। जब स्टीयरिंग हम मोड़ते हैं तो ये उसमें लगता नहीं है, कहीं नहीं उड़ता। अच्छा, पीछे साइड आ जाओ भाई, मेन चीज तो यहाँ पे है, मतलब स्कॉर्पियो में ये देखिए आप, एकदम ही डिफरेंट चीज। आपने महिंद्रा थार ऐसी देखी होगी, अभी बहुत लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन हो सकता है, भाई से पूछते हैं ये क्या सोचते हैं इसके बारे में। यार ये तो पता नहीं, मतलब अंदर से था एक दिन है ना, मैंने अपनी मेरे पास जो पुरानी स्कॉर्पियो थी उस टाइम है ना, पापा घर ज़्यादा कुछ काम करवाने नहीं देते थे, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि भाई लूँगा अगर स्कॉर्पियो, पहली चीज़ तो लेने का मन नहीं था, लेकिन क्यों नहीं मन था उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पूरी स्टोरी है, पूरी स्टोरी है उसकी। लेकिन जब ले ही ली उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मॉडिफाई करवाया जाए, क्यों ना इसको बिल्कुल अलग रखा जाए हर एक बंदे से जिसके पास स्कॉर्पियो है। तो ये एक दिमाग में आई थी चीज, मतलब पहले से थी, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दी। अच्छा, वैसे मतलब कैसा लोगों का कैसा ओपिनियन मिलता है आपको इसके बारे में? एक तो आप पहचान में आ जाते होंगे बड़े इजीली कि ये हनी शर्मा की गाड़ी है। हाँ। और क्या मतलब ऐसे ओपिनियन क्या मिलते हैं कि अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है? भाई पता क्या है, लोगों को है ना जब फोटो में देखते हैं ना, तो फोटो में देख के उनको मतलब कह रहे ठीक है। जैसे ही सामने से देखते हैं ना, उतने जितनी बार जितने बंदे मिले उन सब ने बहुत ही बड़ाई करी है भाई, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंस्टॉल कैसे कराया आपने ये? देखिए आप S11 टॉप ब्रांड है इसका, इंस्टॉल कैसे कराया भाई? भाई इसका जो ये नक्के है ना, हाँ, इसमें वेल्ड हुआ है ये। हाँ। ये दो चीज, इस ये पूरा सेटअप बनाया गया है सिर्फ इसको देख के, इसमें सारी चीज लगा के एग्जामिन किया किस तरीके से क्या चीज हो सकती है, और क्योंकि इसकी ये जो डिग्गी है वो बहुत हल्की थी, तो हल्की के चक्कर में इसके अंदर इंस्टॉल किया, बहुत मतलब रोड होती है रोड होल, वो पूरी लगाई गई है बैंड कर करके, जिससे थोड़ा वेट। ये महिंद्रा वालों नहीं कराया क्या? नहीं भाई, महिंद्रा वालों यहाँ पे मार्केट करवाया हमने। बस कितने के पड़े थे आपके 5 अलॉयज थार के? यार ये तो मैंने ना वहीं पे लगवा लिए थे, जैसे बताया शोरूम में लगवा लिए थे ये वाले 4 अलॉय। ये मैं एक्स्ट्रा लेके आया था, ये मैं कौन सा है, मायापुरी से लेके आया था मैं ये एक्स्ट्रा। एक ऐसा मिल जाता है एक अकेला वहाँ पे? भाई मिल गया वहाँ पे। कितने के पड़े थे फिर चारों? ये मेरे को वो वाले टायर देने के बाद 40,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे थे, ये मैं लेके ही 20,000 रुपये के आसपास का आया था, एक सिंगल 20,000 का। हाँ भाई, और बाकी 4 ये 40,000 के, जबकि आपने अलॉय व्हील जो थे वो वाले दे दिए ना, स्कॉर्पियो वाले अलॉय व्हील वहाँ दे दिए थे, और ये लिए थे उसके बाद 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े थे, और ये 20 का, तो 60,000 रुपये का टोटल आपको पड़े, 60,000 रुपये के पड़ेगा टोटल। अभी आपने एक बात गौर करी होगी, भाई ने बोला था कि मेरे को स्कॉर्पियो पसंद नहीं है, फिर भी स्कॉर्पियो भाई आप देख रहे हैं 6-7 महीने से इसको चला रहे हैं, खूब बढ़िया कंडीशन में भी है, खूब वेल मेंटेन्ड भी है, क्यों पसंद नहीं है भाई? मतलब स्कॉर्पियो तो ऐसी गाड़ी है ना जो उसको ले लेता है फिर। स्कॉर्पियो पसंद नहीं है ये नहीं बोला मैंने, मैंने
चार साल पांच साल स्कॉर्पियो चलाई है इससे पहले, इससे पहले भी स्कॉर्पियो थी। तो अब मेरा मतलब मन था अंदर से कि एक स्टेप और आगे, मतलब कोई एक लग्जरी फील लेनी है यार, थोड़ी सी लग्जरी गाड़ी लेनी है, तो उसमें सोच रहा था। बट हमारी किस्मत में भाई यही थी, हमारी किस्मत में यही है, यही चल रही है इस चक्कर में। मतलब लेके आ गया था मैं हैरियर गाड़ी, और उसके बाद भी मतलब वो मेरे को बेचनी पड़ गई किसी चक्कर में, बस उसकी तो बड़ी कहानी है पीछे बता रखी है। इसको लेने से पहले इन्होंने टाटा हैरियर ली थी, लेकिन वो किसी कारण से ऐसे उल्टी कर दी, क्योंकि वो थोड़ी दिक्कत वगैरह इसमें आ गई थी, फिर उन्होंने स्कॉर्पियो ही ले ली। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये सब जो आपके साथ इंसिडेंस हुआ लगा कि महिंद्रा ज्यादा रिलायबल है टाटा से? भाई बहुत ज्यादा लगा, मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए महिंद्रा ही बनी है उस टाइम। इस चक्कर में ही मैं बस सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना एक्सयूवी, जैसे मैं बता रहा था XUV700 लेने की, तो वो देखते हैं किस तरीके से क्या चीज बनती है। मैं भी सोच रहा था, मतलब मैंने ना अभी पीछे से बताई है भाई को कि ये बेच के ही लेनी चाहिए। मतलब मेरे को भाई भी गाइड कर रहे थे कि भाई या ये दो गाड़ी क्यों लेगा, बड़ी दो गाड़ी तू अकेला चलाने वाला है तो अकेला गाड़ी क्यों चलानी है दो। तो इस चक्कर में सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको सेल कर दूँ और जो 700 है वो ले लूँ, वो ही ब्लैक कलर में लेनी है। मेरा अभी फिलहाल का रीज़न ये है ना भाई कि एक गाड़ी बड़ी ऑलरेडी है, वो दूसरी भी बड़ी आ जाएगी, फिर तीन गाड़ी टोटल घर में कौन चलाएगा यार, मैं ही चलाने वाला हूँ। एक इसी को बड़ी रख लो बस, तो उसकी तो क्या ही जरूरत है, क्योंकि अभी तो 6-7 महीने तो फिर बहुत ही कम है ना। प्लस कितने की ली थी आपने ये? भाई मैंने ये ली थी 19.5 की। 19.5 लाख रुपए की ये पड़ी है स्कॉर्पियो, और ऊपर से फिर ये खर्चा अलग से है, मतलब सारी चीज मिला के। हाँ, और अंदर से तो आपने कुछ नहीं करवाया? कुछ भी नहीं करवाया मैंने, आफ्टर मार्केट कुछ काम नहीं करवाया, बाहर से सिर्फ एक बेस ट्यूब लगवाई है और पीछे का ये टायर। और इसमें अगर हम देखते हैं तो कैप्टन सीट्स वाली है ये, यहाँ पे आप देखिए इस तरीके का इंटीरियर आता है। कितने चला चुके हो भाई आप इसको? भाई ये 6 महीने में 17,000 किलोमीटर प्लस होगी। ये भाई जैसा बता रहा, भाई तो बड़ा हैवी हो गया, बहुत हैवी। लेकिन ये आवाज क्या ही कर रही है? इसका कर रहा है इसका, ये ना ये इसमें वो नहीं लग रही ग्रीस वगैरह, जल्दी ज्यादा ग्रीस नहीं घिस गई इसकी? कुछ ज्यादा ही हैवी बहुत है ना भाई। तो इसको खोलते बंद करते हो क्या आप ज्यादा? और सीट कहाँ गई इसकी? भाई घर पे रख रखी है। क्यों, मतलब 7 सीटर का उपयोग नहीं करना पूरा है? बस पीछे सामान रखने के लिए भी चाहिए ना, बिकॉज शूट के लिए चाहिए थी। इसी चक्कर में मैंने थार नहीं ली थी, क्योंकि थार में स्पेस था ही नहीं, इसमें स्पेस चाहिए था। अब दो नॉर्मल वाली स्पेस, मतलब वो पूरी गिड्डी की घेर लेती है, इतना सा स्पेस बचता है। तो इस चक्कर में मैंने वो हटा के घर रख दी, इतना स्पेस बतेरा है। अरे जब चलाते हो तो फीलिंग कैसी आती है स्कॉर्पियो को? भाई देखो मैं बता रहा हूँ, पहली चीज स्कॉर्पियो लवर भाई मेरा कोई भी मन नहीं है ऐसा, बस थोड़ा सा घर की वजह से, घर पे मम्मी ने बोला, अज्जू ने बोला, भाई ने बताया कि भाई मतलब निकाल देनी चाहिए, इस चक्कर में निकालूंगा, नहीं तो अभी मतलब पूरा प्लान नहीं है। स्कॉर्पियो नहीं निकालना चाह रहा, स्कॉर्पियो यार बहुत बढ़िया गाड़ी है। पता नहीं भाई लोग पता मेरे को बोलने लग जाएंगे कि भाई आपने क्यों बोली स्कॉर्पियो बेकार गाड़ी है, स्कॉर्पियो बेकार गाड़ी नहीं है। स्कॉर्पियो नहीं भाई, इनको ऐसा थोड़ा समझ गया, इनको थोड़ा लग्जरी चाहिए था जैसे पैनोरमिक सनरूफ। हाँ, अब वो नहीं मिल पाई, इन्होंने हैरियर ली थी, अब लोग ये भी कहेंगे कि फिर पहले ही ले लेते तो, पर ली थी यार वो थी नहीं ना भाई इस सेगमेंट में, कोई थी नहीं। हेक्टर वगैरह क्यों नहीं ली, किया क्यों नहीं ली? यार हेक्टर मेरे को अच्छी नहीं लगती, सही बताऊं तो किया में वही 5 सीटर स्पेस की प्रॉब्लम ना, उसका तो 37 लीटर का बूट स्पेस सही है। क्रेटा ले लेते, क्रेटा यार ये समझ में छोटी गाड़ी लगती है, सीरियसली बता रहा हूँ। अब जो XUV700 निकली है ये बहुत लग रही है कि बड़ी है, ऊपर से पीछे की सीट ऑलरेडी डाउन मार जाते हैं, तो इसमें निकालने का भी झंझट नहीं है, तो ये सारी चीज सोच रहा था। और ये खास 80-55 ये देखिए भाई नंबर, इसको भाई ऐसे लिखवाओ ना, मतलब इस नंबर का पूरा उपयोग तो करो, BOSS अच्छा बनवा रखी है क्या? अरे कितने का लिया था भाई ये नंबर 80-55? ये भाई मेरे को पड़ा था 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का ही मिल जाता है बस 80-55? हाँ भाई इतने तक के मिल जाते। और माइलेज क्या निकाल देती है भाई स्कॉर्पियो? भाई लंबे ट्रिप पे जब जाता हूँ जब निकाल देती है 16-17 अराउंड आराम से निकाल लेती है। वैसे अगर लोकल में चल रही है जैसे यहाँ पे आया हूँ इतने में अभी 12-13 की दे रही है। अच्छा ये एक क्वेश्चन मैं भाई से पूछता लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि भाई ने ना ये जब ली थी ना स्कॉर्पियो शोरूम से निकलवाते टाइम ही अलॉय बदलवा दिए थे। हाँ। तो भाई ऐसा थोड़ा झोल मारती है क्या गाड़ी आपकी? मतलब एक तो रहता डिफरेंस के अलॉय के बाद कुछ डिफरेंस आया, क्योंकि आपने तो फिर वो चलाई नहीं वैसे तो नॉर्मली। नहीं आफ्टर मार्केट बहुत सारी चला रखी है ना भाई मैंने गाड़ी। हाँ, तो स्कॉर्पियो बहुत चला रखी है आफ्टर मार्केट, मतलब आफ्टर मार्केट वाले व्हील है ना थोड़े कर जाते हैं, लैग कर जाते हैं, एक टाइम बाद सस्पेंशन बोल जाएगी। तो इस चक्कर में मेरे लगवाने तो थे, मतलब इतने स्कॉर्पियो लेता हर एक बंदा सोचता है कि अलॉय व्हील लगवाऊं, इससे ऑलरेडी बल्कि लुक आ रही होगी आपको देखने के। तो इस चक्कर में मैंने कुछ ये कारण था कि इस चक्कर में लगाई, क्योंकि ऑलरेडी बल्कि लुक आ जाती है, मन नहीं करता अलॉय व्हील लगवाने का। और इससे 4 ट्रिप मारा हूं भाई मैं, 4 ट्रिप में मतलब इतना सही प्रॉब्लम नहीं है इतनी सी। ऐसे हिलती है गाड़ी हाई स्पीड पे, स्टेबिलिटी कुछ रहती है? मैंने अपनी गाड़ी 170 चला रखी है। 170 पहुंच जाती है ये? हाँ। अच्छा
अच्छा एक ये भी फायदा हो जाता है इसका, एक्वेरियम ऐसे लगता नहीं है, है ना, भारी हो जाता है तो ऐसे आके अपने आप रुक जाता है एक जगह पे, ये बीच में भी रुक जाता है। अच्छा बीच में, अच्छा हो जाता है बैलेंस, वो शायद ग्रीस नहीं है इस वजह से। हाँ, वो ग्रीस नहीं है, इस चक्कर में थोड़ा कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। वो बताया था मैंने, बीच में सोच रहा था लगवाने की, लेकिन और अभी जैसा कि कैप्टन सीट है तो चार बंदे ही केवल आ पाते होंगे इसमें कंफर्टेबली, तो बस है ना। हाँ भाई, चार बंदे अच्छे कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, केवल चार बंदे ही इसमें आ पाते हैं अभी फिलहाल। अगर पीछे सीट लग जाएगी तो सही से बंदे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ भी इतना कंफर्ट तो देखो नहीं रह पाता, पर उनसे तो बेहतर है एल्काज़ार या एमजी हेक्टर है, टाटा सवारी, उनसे तो सही पे जब भी वो जो अपनी ठहर रहा है वो ऑफर कर देती है। बाकी और कुछ करवाने का प्लान है, पर आप तो करवाओगे कि आप बेचोगे इसको डायरेक्ट? अच्छा किसी को लेनी हो तो सोचा है भाई, अभी सोचा है। किसी को लेनी हो तो कितना कितना मांगते हो, मतलब पैसा कितना, मतलब उम्मीद बताऊंगा। जब हनी शर्मा व्लॉग्स करके इनको आप मैसेज कर देना अगर आपको इंटरेस्टेड हो, या फिर मेल डाल देना, है ना। हाँ, मेल डाल देना बेशक अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, कोई और रियलिटी में कोई इंटरेस्टेड है तो। बाकी देखो मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, ये चीज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है देखने का, बस घर की वजह से और तीन गाड़ी की वजह से। यार ऑलरेडी दो गाड़ी है और मैं चाह नहीं रहा कि तीन गाड़ी लूं और उसका भाई सारा भार अपने सर पे रखूं। किस जाती होंगी वो कहते हैं ना, हाथी लेना आसान है पालना मुश्किल है, वही वाली बात है, हाथी लेना आसान है पालना मुश्किल है। कितनी किस्त जाती है भाई इसकी महीने की? पर्सनल क्वेश्चन है क्या? 35,000 रुपए भाई। 35,000? तो मॉडल लोगे तो जाएगी, तीन साल के लिए जाती होंगी? पाँच साल के लिए 35,000? फिर तो ठीक है, फिर तो बेच ही दो भाई, फिर तो बेच दो। सर्विस का क्या हिसाब रहता है भाई? अभी तो पहली सर्विस हुई है। हाँ। पहली सर्विस मेरी 8-9 हज़ार रुपए में हो गई थी। तो मतलब ऐसे कार चला के सेटिस्फाइड हो क्या आप, मतलब स्कॉर्पियो? भाई स्कॉर्पियो से सेटिस्फाई कोई नहीं होता, फोन नहीं होता, बताओ आप सेटिस्फाइड हो? मैं सेटिस्फाई हूं भाई, पर भाई हर जगह से निकलती है यार, हर जगह से भाई। मतलब वो कहते हैं कि 4-व्हील ड्राइव भी होनी चाहिए, लेकिन 2-व्हील ड्राइव भी बहुत है, बट थोड़ा यार अपग्रेड करना है बस, इस चक्कर में सोच रहा हूँ। ना तो सनरूफ चाहिए, सनरूफ बस स्काई रूफ, सिर्फ एक ये है। देखो मेन बात यही है, बहुत टाइम से जैसे मैं, जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे अपने वो जानते होंगे जब हैरियर ली थी, जब कितनी ज्यादा बात हुई थी इसके बारे में, बस एक सनरूफ चाहिए थी, इसमें सनरूफ आ जाती तो मैं निकालता ही नहीं कभी। लोग बोल रहे हैं अरे ठीक है देखी जाएगी, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई आप बाहर से सनरूफ लगवा लो आफ्टर मार्केट, भाई मेरे को कोई काम नहीं करवाना, बिकॉज वो यार जो कंपनी देती है वो कंपनी है, बाहर का काम तो मतलब इतना इतने दिन नहीं चल पाएगा। बाकी एक चीज और देखिए भाई, यहाँ पे ये अब इनको लगने के बाद 18 इंचेस को कितनी ऊंची हो गई है कार, यहाँ पे एक बार भाई चढ़ने में कोई दिक्कत हो? देखिए देखो मेरे यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक बस चढ़ने के लिए, इसमें तो वो ग्रैब हैंडल भी नहीं है, तो आपको ऐसे ऊपर से पकड़ के चढ़ना पड़ता है। मतलब 5 फुट 10 इंच हाइट का जो होगा ना सही सा, मतलब मेरे जैसा, वो चढ़ जाएगा आराम से, बाकी थोड़े से भी छोटे होंगे ना उसको प्रॉब्लम पड़ेगी, वैसे चढ़ेगा वैसे ऐसे। हाँ हाँ दिक्कत तो है भाई, देखो चढ़ने में ना कुछ ज्यादा वो लगवा लो, फिर नीचे के वो फुट स्टेप भाई निकल, वो टॉप मॉडल में लगे आए थे, मैंने हटवा दिया, अब लगवाऊंगा जाके। बाकी यहाँ पे भाई मतलब सही में ये पकड़ के रूफ रेल्स पकड़ के ही चढ़ना पड़ेगा अपने को, बच्चा होगा अगर कोई तो एक बार चढ़िए, एक मिनट चढ़ के देखिए, बच्चा तो चढ़ ही नहीं पाएगा शायद, बच्चे में जान होनी चाहिए, चढ़ जाएगा। चला जा, बहुत बहुत धन्यवाद हमें पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये था भाई की स्कॉर्पियो जिसको वो सेल करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ XUV 700, क्योंकि उसमें फीचर्स को, और ये भी मैंने एक्सक्लूसिवली यही बताया, इससे पहले मैंने कहीं नहीं बताया था कि मैं बेचना चाह रहा हूँ इसको। चलो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।